गुंडा करती नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। दफ्तर गुंडा करती नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जगमग बत्ती हो होश में आओ, जग की बत्ती होश में आओ, होश में आओ। आगे आगे कैसे बढ़ेंगे भाई? अरे रहिए भाई, बिना अनुमति के आप लोग आए कैसे? नहीं मिल सकता है, मिलने का तरीका है। अजय जी, आप प्रदर्शन हो रहा है कांग्रेस की तरफ से, क्या बात को लेकर देखिए, कांग्रेस के लोग लगातार बनारस के अंदर अमन चैन कायम रखने के लिए प्रयासरत रहते हैं। कांग्रेस का कार्यकर्ता, कांग्रेस के नेता हमेशा ये चाहते हैं कि शहर का अमन चैन कायम हो, अच्छा हो। लगातार भाजपा, विश्व हिंदू परिषद, RSS के लोग शिक्षण संस्थाओं का माहौल ख़राब कर रहे हैं। पहले देश के प्रधानमंत्री जी आए, पहली बार बनारस के इतिहास में, BHU के इतिहास में झंडा लगाकर भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम BHU के अंदर किया गया। और उसके बाद से लगातार RSS के जो प्रमुख हैं मोहन भागवत जी, वो बनारस में शिक्षण संस्थाओं के अंदर जाकर कार्यक्रम कर रहे हैं। शिक्षण संस्थाओं का माहौल ख़राब किया जा रहा है, बर्बाद किया जा रहा है। मोहन भागवत जी लगातार हैं ट्रेड फैसिलिटी सेंटर, जो बुनकरों के लिए बनाई गई थी, वहाँ पर भी मोहन भागवत जी ने लगातार कार्यक्रम किए संघ के। अभी विश्व हिंदू परिषद का कल कार्यक्रम होने जा रहा है स्वतंत्रता भवन BHU के अंदर, वो वहाँ पर विश्व हिंदू परिषद की पाठशाला चलेगी BHU में, या BHU में बच्चों को पढ़ाया जाएगा, वहाँ पर बच्चों को आगे बढ़ाया जाएगा, साइंटिस्ट डॉक्टर बनाया जाएगा, या उनको RSS की पाठशाला में ले आकर बैठाया जा रहा है। हम लोग कांग्रेस के लोग इसका विरोध करने आए हैं, जिलाधिकारी को ज्ञापन देने आए हैं कि इसको तत्काल इसको बंद किया जाए।